नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्य नारायण को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दो दिन से फरार था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत ने गुरुवार आधी रात को बताया कि सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, पुलिस इससे पहले दो आरोपी जसपाल और वेदराम को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को आदेश दिया था। जिला पुलिस के साथ एसटीएफ को भी मामले की जाँच के आदेश दिए गए थे। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आपको बता दें, 3 जनवरी की रात गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण फरार चल रहा था। सत्यनारायण की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी। पुलिस की 4 टीमें मुख्य आरोपी सत्यनारायण की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही थी। पुलिस के खराब सूचना तंत्र की वजह से मुख्य आरोपी महंत थाना क्षेत्र के ही घटना वाले गांव में छुपा हुआ था, जिसे गुरुवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के चलते विपक्षी दलों ने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। हालांकि सीएम योगी ने कहा था कि बदायूं की घटना काफी निंदनीय है, अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा था कि इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बदायूं में महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अब एक और जांच की जाएगी। ये जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने से जुड़ी हुई है। जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक करने की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बदायूं डीएम ने ये जांच एसडीएम को सौंपी है। उनसे 9 जनवरी तक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।